एंड वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। हाल ही में भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और 10 मार्च को उनके परिणाम भी आ चुके हैं। आज हम इन परिणामों से इतर उस संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संस्था ये चुनाव करवाती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत का संविधान ही भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान करता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिनमें आर्टिकल 324 कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव को सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा और साथ में कंट्रोल भी करेगा। और संविधान ये सारी शक्तियां किसको देता है? ये सारी शक्तियां देता है इलेक्शन कमीशन को। हम यह जान चुके हैं तो हम यह भी जान लेते हैं कि भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन हुआ कब था। तो भारत में जो पहला संसदीय चुनाव हुआ था वह 1950 से 51 में हुआ था। तो इसीलिए 25 जनवरी 1950 को पहली बार भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और उस समय इसमें केवल एक ही सदस्य थे, और उस समय कौन थे? ये थे मिस्टर सुकुमार सेन। अब मिस्टर सुकुमार सेन की तारीफ क्यों होती है? यह तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि उस समय विश्व के जो तथा कथित लोकतंत्र हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है, वो ये कह रहे थे कि भारत जैसे देश में जहां पर लिटरेसी लगभग 19% है, वहां पर इतने जटिलतम चुनाव करवाना लगभग असंभव होगा। लेकिन माननीय सुकुमार सेन ने इस आशंका को गलत साबित किया और भारत में चुनाव हुए, और चुनाव ऐसे नहीं जिनमें केवल एक या दो दल हो। उस समय भारत में लगभग 50 दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग में की सदस्यता क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो अगर हम बात करें 1950 से लेकर 1989 तक, तो 1950 में इसके गठन जब हुआ चुनाव आयोग का, उस समय इसमें केवल एक मेंबर था, तो वही सीईसी थे और वही ईसी थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक ही सदस्य है। अब उनको चाहे आप मुख्य चुनाव आयुक्त बोल दीजिए, चाहे चुनाव आयुक्त बोल दीजिए, केवल एक ही है। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1989 में जब संविधान में 61वां संशोधन किया गया, उसमें हुआ ये कि मतदान की जो उम्र है उसको घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि अब जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा वह मत देने के योग्य हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, इससे बहुत सारे नए वोटर्स जुड़ गए। तो अब वो नए वोटर्स जो जुड़े थे उनको शामिल भी करना था, तो इसके लिए क्या किया गया कि इसकी संख्या बढ़ा के 3 कर दी गई। तो अब नया स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक नया स्ट्रक्चर हुआ जिसमें एक सीईसी हो गया और 2 मेंबर हो गए। लेकिन इसके बाद 1990 में फिर से इसको रिवर्स कर दिया गया और फिर से निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य बचा। लेकिन इसके बाद जो नई सरकार आई उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से 1993 में इसकी सदस्य संख्या को बढ़ा के 3 कर दिया। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो हमारे लिए यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और इनका टेन्योर क्या है। तो अगर हम बात करें सीसी के बारे में, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो जो सीसी का कार्यकाल होता है या तो 6 साल या फिर उनकी उम्र 65 तक होने तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। यदि 6 साल का कार्यकाल पहले पूरा हो जाता है तो वो रिटायर हो जाते हैं, और या वो 65 की एज तक हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में सीईसी कौन है भारत का, तो वो है सुशील चंद्र, और ये कब तक रहेंगे? ये मई 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं निर्वाचन आयोग के। तो इनमें सबसे पहला और जो मुख्य फंक्शन है वह हो जाता है इनका इलेक्शन करवाना। किस किस के इलेक्शन करवाएंगे? ये इलेक्शन करवाते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। उसके बाद जो राज्य विधानमंडल होता है उसके इलेक्शन भी कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात होगी
कि राज्य के विधानमंडल के भी चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग इसके चुनाव नहीं करवाता है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वह फंक्शन क्या है? वह फंक्शन है कि समय समय पर इलेक्टोरल रूल्स को बनाना और उसे रिवाइज करना। इसको रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर साल कई नए नाम जुड़ते हैं और कुछ नाम हटा दिए जाते हैं, क्योंकि नए लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, उनके नाम जोड़ने होते हैं, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई या जिन्होंने अपनी भारत की नागरिकता त्याग दी है, उनके नाम हटाने होते हैं। तो ये काम भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चलिए, अगले फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वह होता है जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे उनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा देना, और साथ में उनको सिंबल अलॉट करना। ये सारे काम भी किसको दिए जाते हैं? ये सारे काम होते हैं इलेक्शन कमीशन के। और अगर हम उनके एक और फंक्शन के बारे में बात करें तो वह होता है कि जो MPs होते हैं और MLA होते हैं उनके जो डिसक्वालिफिकेशन के बारे में एडवाइस करना होता है वो कौन करता है? वह भी इलेक्शन कमीशन करता है। अब ये जान लेते हैं कि MPs का अगर डिसक्वालिफिकेशन की बात होगी तो वो करेंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस, और जब MLA के डिसक्वालिफिकेशन की बात होगी तो वो करेंगे गवर्नर को एडवाइस। इस प्रकार से हमने कुछ फंक्शंस देखे। अब हम आगे चलते हैं और यह जान लेते हैं कि CEC को हटाया कैसे जाता है। तो क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और इनको सुरक्षा प्रदान की गई है, ये सुरक्षा क्यों प्रदान की गई है? ताकि ये सरकार से स्वतंत्र होकर काम कर सके। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया इनके लिए कि जो इनको हटाने का तरीका होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका होता है। अब उनको हटाने का तरीका क्या है? वह तरीका होता है कि यदि दुर्भावना या अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसकी प्रक्रिया होती है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और उसके बाद ही राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। ये हो गई इनको हटाने की प्रक्रिया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी जो ये प्रक्रिया थी वो किसके लिए थी? CEC के लिए, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। अब जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं या क्षेत्रीय जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? उनको CEC की रिकमेंडेशन पे, CEC की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट द्वारा हटा दिया जाता है। मतलब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब जैसे ही CEC प्रेसिडेंट को यह रिकमेंड करेगा कि इनको हटा दिया जाए, उनको हटा दिया जा सकता है उनके ऑफिस से। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग को इतना ज़्यादा क्यों जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, खासकर अभी हाल के दिनों में जो देखा गया है कि अपोजिशन पार्टीज क्यों इतने ज़्यादा खिलाफ हो जाती हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के। तो इसमें जो कुछ कारण है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो। अपोजिशन क्या बोलता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उसमें होता क्या है, वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जब राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा, और किसकी सलाह पे किया जाता है? केवल प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। इनकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया वैसे नहीं है जैसे अन्य संस्थाओं के लिए, जैसे NHRC की बात करें, CBI की बात करें, तो उनमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो विपक्षी दल के नेता होते हैं या जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये सब भी उस समिति में शामिल होते हैं जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं नाम। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के केस में ऐसा नहीं है। ये कैसे निर्वाचित होते हैं या इनको कैसे नियुक्त किया जाता है, उसकी एक सिंपल सी प्रक्रिया है कि PM की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देता है। तो ये सबसे बड़ा जो इनके लिए विरोध का कारण है वह यही रहा है कि इनकी प्रक्रिया राजनीतिक रूप से की जा सकती है। अगर हम दूसरे फ्लॉज के बारे में बात करें तो वो ये होता है कि इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। जो भी मेंबर्स होते हैं निर्वाचन आयोग के, उनके लिए कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया, जैसे कि ना तो लीगल कोई क्वालिफिकेशन है, ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियली उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन दिया गया। जैसे हम बात करें अगर वित्त आयोग की बात करें तो उनके लिए दिया गया है कि कौन कौन से लोग ही केवल वित्त आयोग के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ नहीं है। उसमें एक सीधी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे वह उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त तो बना सकते हैं। तो इनके लिए एक साधारण सी प्रक्रिया दी गई है, इसलिए भी इनका विरोध किया जाता है। अगर हम बात करें
सबसे ज्यादा इनके बारे में कंट्रोवर्सियल टॉपिक है तो वो है कि इनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब संविधान ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि जो शख्स निर्वाचन आयोग का सदस्य था वह राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकता है या नहीं। अगर हम बात करें इस विषय में, अगर हम एक उदाहरण देखें तो वह उदाहरण मिलता है TN सेशन का। हालांकि उन्होंने राजनीति तो नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जब वह निर्वाचन आयोग में है तो वह उस दल को फेवर करने की कोशिश करेगा जिसको वो ज्वाइन करना चाहता है, अर्थात जिसकी तरफ से वो चाहता है कि वो कभी भविष्य में चुनाव लड़ सके या उसका सदस्य बन सके। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना लगातार होती रहती है कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसमें ऐसी एक प्रक्रिया हो जिसके द्वारा जितने भी निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं या जो उसके अध्यक्ष हैं वह राजनीति से दूर रहें। तो ऐसा कोई भी प्रावधान अभी हालांकि नहीं है, इसीलिए इनकी लगातार आलोचना भी होती रहती है। चलिए, तो आज हमने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना, और आगे ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।